करवा चौथ क्या है? करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? आइए जानें इसके बारे में। करवा शब्द का अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। चौथ का शाब्दिक अर्थ चतुर्थी है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सफलता की मनोकामना पूरी होने के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित युवतियाँ सुयोग्य वर की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इस दिन उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर चांद को अर्घ दिया था और तब से ही करवा चौथ मनाने की परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। देवी करवा ने अपने पति की रक्षा के लिए एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस पर सती ने कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली स्त्री हैं जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियाँ करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुँह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।